हल संधि प्रकरण में अनुनासिक करने वाला सूत्र आता है यरो नुनासिके नुनासिको वा। इसे अनुनासिक संधि के रूप में भी जाना जाता है। सूत्र का अर्थ है पदांतस्य यरः अनुनासिके परे अनुनासिकः स्यात् वा। यहां पर यरः षष्ठ्यन्त है और स्थानी है, अनुनासिके यह सप्तम्यंत है अतः यह निमित्त है और अनुनासिकः प्रथमांत है अर्थात आदेश है। वा का अर्थ होता है विकल्प से। सूत्र का अर्थ होगा पदांत यर को अनुनासिक परे रहते अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। स्पष्ट हो गया। पद के अंत में यदि यर प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा तो उसको अनुनासिक हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण यदि उसके बाद में हो तो। उदाहरण देखते हैं, एतद मुरारी। एतद यह एक पद है, पद के अंत में यर प्रत्याहार का वर्ण है द। यर प्रत्याहार में हयवरट से शुरू होता है य और श श सर के र तक जाता है, अर्थात केवल इसमें ह अक्षर नहीं आता है, शेष सभी वर्ण यर प्रत्याहार में समाहित हैं। तो यर प्रत्याहार में आया द, अनुनासिक वर्ण बाद में है मुनारी का म, अनुनासिके परे अर्थात मो बाद में परे होने पर यहां पर मो बाद में है, इसको मकार परे होने के कारण दकार को भी अनुनासिक हो जाता है। तो द का अनुनासिक क्या होगा, तवर्ग का पांचवा अक्षर न है, न हो गया एतन मुरारी, एतन मुरारी हो गया। तो आपने देखा कि पदांत यर को अनुनासिक परे होने पर अनुनासिक हो गया एतन मुरारी। यह विकल्प से करता है, जिस बार यह अनुनासिक नहीं करेगा उस बार एतद मुरारी ऐसा ही रूप रह जाएगा। इसके बाद अन्य उदाहरणों को भी हम लोग देख लेते हैं। मेरा नाम जगदानंद झा है, तो जगत नाथ है, जगत है नाथ है, तो यर प्रत्याहार में आता है। इस तो को पहले जस्त होगा, आपने पहले झलाम जसोंते पढ़ा है, तो जगत नाथ हो जाएगा और दो को यरोनाश के अनुनाशको वासे अनुनासिक हो जाता है, जगन्नाथ रूप बन जाता है। जैसे आपने एतत मुरारी में तो को दो झलम जसोंते से करते हैं और दो को पुनः अनुनासिक कर दिया, वही प्रक्रिया सभी जगह होगी। चूंकि एक ही सूत्र पर फोकस करना है, एक ही सूत्र को बताना है, इसीलिए पहले वाली प्रक्रिया नहीं बताई जाती है। यदि आप लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम से पढ़ रहे हैं तो यह मान लिया जाता है कि आप पहले वाली प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और प्रसंगगत जो प्रक्रिया है उसी को दर्शाया जाता है, इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया था, यहाँ आपको बता दिया। जो नए लोग हैं उनके लिए जगतनाथ है, जस्त हुआ है और यहाँ अनुनासिक होके जगन्नाथ हो गया। ऐसे ही भेद है न है, यहां दो को न हो जाता है, यहां पर दो को नो हो गया, भिन्न रूप बन गया। और उदाहरण देखना हो आपको तो उसको देखिए, सत है, मार्ग है, तो को दो हो जाएगा, सद मार्ग मार्ग और अनुनासिक होकर के दो को नो हो गया,
सन्मार्गः। ये जितने अनुनासिक करने वाले हैं या जो भी आप संधि के सूत्रों को पढ़ रहे हैं, यदि आप काव्य ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, किसी संस्कृत के गद्यांश को पढ़ रहे हैं, वहां पर आपको देखना चाहिए। आगे अजंता आदि प्रकरणों में आप पद को आसानी से समझ पाएंगे। भीद एक पद है, यह आप आसानी से, सत एक पद है, यह आसानी से समझ पाएंगे। तो जब आप आगे पढ़ने के लिए जाएंगे तो उस समय आप इन प्रक्रियाओं को फिर से देखें और अभी से इस बात का अभ्यास करें कि कहाँ कहाँ, किस किस गद्यांश में, किस किस पद्यांश में अनुनासिक हुआ है, कहाँ पर जस्त हुआ है, कहाँ चर्त हुआ है, कहाँ पश्चुत हुआ है, इसका अभ्यास करना चाहिए। तो यहां तक तो जब अनुनासिक का प्रसंग चला, इसके बाद यरोनुनासिक के नासिको वा इस सूत्र में संशोधन देता है वार्तिक, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। वार्तिक स्पष्ट है, प्रत्यय नित्यम, अर्थात यरोनुनासिक के नासिको वा जो अनुनासिक परे रहने पर अनुनासिक करता है, यह कहता है यदि वह अनुनासिक प्रत्यय का हो तो वहां विकल्प से न होकर के नित्य हो जाए। जैसे तत् है मात्रच प्रत्यय का मात्रम है, तत् है मात्रच प्रत्यय का मात्रम है, यहां पर तत् के तौ को दौ हो गया, यहां पर तौ को जस्त हो के दौ हो गया, तद मात्रम हो गया, और यहां पर विकल्प से यरोनुनासिक उन्नासिको वास्य अनुनासिक प्राप्त था, क्योंकि अनुनासिक वर्ण मात्रच का मो है बाद में, उसको निषेध करते हुए प्रत्यय भाषायाम नित्यम कहता है, यहां पर विकल्प से नहीं नित्य से हो जाए। तो क्या हो गया, तन मात्रम ऐसा नित्य रूप बना। ऐसे ही चिन्मयम, चित को जस्त हो करके दो हो गया है, चिद मयम, मयत प्रत्यय है, और यहां पर भी दो को प्रत्यय भाषायाम नित्यम के नियम से नित्य ही अनुनासिक हो गया, चिन्मयम ऐसा रूप बन जाता है। जो लोग परंपरा से संस्कृत व्याकरण को नहीं पढ़ते हैं या लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल पाठ को नहीं देखते हैं, इधर उधर के पल्लव ग्राही पांडित्य से अपनी योग्यता बढ़ाते हैं, उनकी पुस्तकों में ये सारे उदाहरण अनुनासिक संधि में मिल जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता है कि कहां विकल्प से अनुनासिक होगा और कौन अनुनासिक नित्य है। आपको यह समझना चाहिए कि यदि प्रत्यय का होगा तभी वहां पर नित्य होगा, अन्यथा यदि कोई अनुनासिक वर्ण प्रत्यय को छोड़ करके होगा तो वहां विकल्प से होगा। यह संशोधन समझना जरूरी है। इसके आगे जो लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं और कुछ ज्यादा लोग सिद्धांत कौमुदी के आगे प्रकरणों को भी पढ़ लिए हैं अथवा संस्कृत व्याकरण में अधिक कुछ जानना चाहते हैं, उनके लिए यह पाठ है। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, यह वार्तिक कहता है प्रत्यय में नित्य अनुनासिक हो जाए, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी जगह प्रत्यय जहां अनुनासिक प्रत्यय बाद में हो वहां पर नित्य ही पूर्व वाले वर्ण को अनुनासिक हो जाए। जैसे गरुत्मान, आपके समझने के लिए मतुप लिख दिया, गरुत है मतुप है, यहां प्रत्यय ही है मतुप और अनुनासिक है मतुप में, तो जहां पर अनुनासिक वर्ण प्रारंभ में हो ऐसा जो प्रत्यय हो वहां पर नित्य हो, तो यहां पर गरुणमान ऐसा बनना चाहिए लेकिन बनता नहीं है। यहां पर भौ संज्ञा हो जाने के कारण वहां पर जस्त और अनुनासिक का निषेध हो जाता है। इसी प्रकार आप विदुषमान देखिए, यहां पर विद्वत शब्द से विदुष बना है, वो प्रक्रिया अलग है, विदुष है मतुप है। यहां पर भी यरोनुनासिक के नुनासिको वासे यर में तो श है, इसको अनुनासिक हो जाना चाहिए अनुनासिक वर्ण बाद में होने पर, लेकिन नहीं होता है, विदुषमान रूप बनता है। यहां पर भी
विदुष्मान यह रूप बनता है, तो वहां पर भी भ संज्ञा होकर के अनुनासिक का निषेध हो जाता है, विदुष्मान यही रूप बनता है, अनुनासिक नहीं होता है। इसीलिए पल्लव ग्राही पांडित्य नहीं लें, पूरी बातें समझे, अन्यथा ऐसे यदि कहीं पर आपको आ गए तो आप यह नहीं समझ पाएंगे, या तो ऐसे ऐसे हजारों आप उदाहरण विकल्प का, एक विकल्प तो प्रत्यय भाषायाम नित्यम हुआ और उसके बाद उसका भी आपको विकल्प मिलते हुए चला जाएगा। इसीलिए मूल पाठ को पढ़ना चाहिए, लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल पाठ को अवश्य पढ़ना चाहिए, लघु सिद्धांत कौमुदी के इस ट्यूटोरियल को आप जरूर पढ़ें, जरूर देखें। इसके बाद आगे सूत्र आता है तोरली, कहता है तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः, तवर्ग को लकार अक्षर यदि बाद में हो तो लकार के समान हो जाए। उदाहरण देखिए, तत है लय है, यहां पर तवर्ग का त है और लकार परे है लय का ल, इसको ल के समान ये त हो जाएगा, पर वर्ण के समान हो जाएगा, तो हो गया तलय रूप बना। तो तवर्ग को लकार परे होने पर परसवर्ण का एक उदाहरण देखा। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं विद्वान लिखति, इसीलिए मैं भी यहां लिख करके आपको पढ़ाते रहता हूं। विद्वान वह होता है जो लिखता है, केवल बोल करके कह दे, लिख करके न समझावे, उसे वरदराजाचार्य ने भी विद्वान नहीं माना। तो विद्वान की पहचान क्या है? विद्वान लिखति, विद्वान वह होता है जो लिखता है। तो चलते हैं उदाहरण देखते हैं। विद्वान है लिखती है, तवर्ग का पांचवा अक्षर है न, लकार परे है लिखती का ल, तवर्ग का लकार परे होने पर सवर्ण हो जाएगा। यहां पर आपने पढ़ा होगा जहां उच्चारण का प्रकरण संज्ञा प्रकरण में आया था कि नो यह अनुनासिक वर्ण है, तो जब परसवर्ण होगा तो अनुनासिक होगा, इसीलिए लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा है नस्यानुनासिको लह। तो वहां पर नो जब भी ल में कन्वर्ट तो होगा, परसवर्ण होगा तो लकार में भी अनुनासिक हो जाएगा। यहां पर परसवर्ण ऐसे लग जाता है, विद्वान लिखति ऐसा दिखता है, और वहां मूल पाठ में भी नस्यानुनासिको लह जो लिखा है तो लह के ऊपर में समझाने के लिए ये चांद बिंदी ऐसा दिया गया है। वहां पर भी मूल पाठ में नस्यानुनासिको लह में लह के ऊपर चांद बिंदी दिया गया, ताकि आप समझ सकें कि जब भी न को परसवर्ण होगा तो अनुनासिक सहित होगा, विद्वान लिखती, इसीलिए एक उदाहरण दिया गया। आगे सूत्र आता है उदस्था स्तंभोः पूर्वस्य, इसके बारे में आगे के वीडियो में हम देखेंगे, फिलहाल यहीं रुकते हैं।